हम इस समय बढ़ रहे हैं मथुरा की ओर। और ये देखिए, ये मथुरा वृंदावन रोड। आज हम आए हैं स्कूलों का इंस्पेक्शन करने। जैसा कि हमको खबर मिली थी कि परिक्रमा मार्ग में एक गाड़ी का रेडिएटर फट गया, जिसके फलस्वरूप वहां बच्चे इंजर्ड हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब हमने सोचा क्यों ना स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जाए और देखा जाए कि गाड़ियों में फिटनेस की क्या स्थिति। हम पहुंचे काना माखन स्कूल और हम देख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये काना माखन स्कूल की बहन आप देख रहे हैं यहाँ खड़ी है, इसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है। आइए पीछे आइए, ये देखिए, आओ, कोई नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, और ये देखिए ना लाइट है। दिखाइए ज़रा लाइट की स्थिति, देखिए ब्रेक लाइट भी नहीं है। और अंदर स्थिति दिखाओ ज़रा, जिनमें आपके नौनिहाल पढ़ने जाते हैं और पूरा पैसा वसूल किया जाता है, उसमें गाड़ियों के अंदर से स्थिति देखिए। सहज भाव में भी इन गाड़ियों में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जो है देखिए ये गाड़ी की स्थिति। आइए भैया इधर दिखाइए, ये देखिए, ये कंडम गाड़ियां हैं जो कहीं नहीं चल सकती हैं, वो स्कूलों में चलाई जा रही हैं और मनमाना पैसा देने के बाद भी पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, उनके बच्चों को इसमें रोज़ दुर्घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। और ये देखिए, ये नंबर प्लेट पीछे दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखिए नंबर प्लेट नहीं है, कोई जाली नहीं है। और देखिए स्थिति देखिए, ये पीछे लगा रखा। और दिखाइए, आइए भैया और एक मिनट आइए, ये देखिए, ये गाड़ी की स्थिति देखिए, यहाँ दिखाओ जरा, ये देखिए, ये लाइट टूटी हुई है, ये सब टूटा हुआ है। और पीछे दिखाइए, और टायरों की स्थिति तो भगवान भरोसे है। ये पीछे इन्होंने, ये देखिए पीछे से दिखाओ भैया, ये देखो यहाँ भी नंबर प्लेट गायब है इस गाड़ी की भी, और ये पीछे लगा रखा है ताकि यूँ खड़े होके और बच्चे इसमें जाएँ। अधाधुंध एक गाड़ी की जो कैपेसिटी होती है उससे कई गुना ये भर लेते। अंदर दिखाइए जरा स्थिति भैया, ये देखिए अंदर की स्थिति देखिए, क्या ऐसी गाड़ियों में बैठने के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं और ये पूरा पैसा लेने के बाद भी वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। ये दिखाइए, आइए, और हमने आपको दिखाया ये एक स्कूल की स्थिति। ऐसा नहीं है कि स्कूल की, और भी स्कूलों में इस तरीके की कमियाँ हैं गाड़ियों में, लेकिन प्रशासन के मौन रहते हुए पता नहीं क्या कारण है, RTO प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब इस पर मौन है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, फलस्वरूप ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमें आपको बताने का केवल इतना है कि आप इन गाड़ियों को देखें। पेरेंट्स से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी गाड़ियों में अपने बच्चों को ना बैठने दें, स्कूल से सवाल करें, अंकुश लगाएं। ये एक गाड़ी और है जिसमें कोई नंबर प्लेट पीछे नहीं लगी हुई है, नंबर प्लेट ही गायब है। अब बताइए ये फिटनेस के नाम पर धोखा नहीं है तो क्या है? ये देखिए पुराने टायर लगा रखे हैं, बिल्कुल घिसा हुआ टायर है, और ऐसी गर्मी में जब टेम्परेचर 45 और 48 है, ये कहीं भी फट सकता है, तब क्या होगा? मैडम, आज आपके स्कूल की वैन में हादसा हुआ है, कुछ बच्चे इंजर्ड भी हुए हैं, तो क्या कमियां रही और क्या कारण रहे बताएंगे आप? जी, दो बच्चों को गर्म पानी के छींटे पड़े हैं, वाटर जो उसका वाटर टैंक होता है वो शायद बस्ट हुआ है, जो एक टेक्निकल इशू है, तो उन बच्चों को थोड़ा छींटों के कारण बर्न हुए हैं, वो जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, अब वो घर चले गए हैं ट्रीटमेंट के बाद। नहीं, जैसा कि अभी हमने आपके यहाँ गाड़ियाँ जो पड़ी हैं देखा, गाड़ियों के कांच आगे से टूटे पड़े हैं, इंडिकेटर नहीं है, ब्रेक लाइट भी खत्म है और नंबर प्लेट भी नहीं है, और देखा जाए तो वो गाड़ियाँ इस स्थिति में है कि कंडम है, उन्हें कबाड़ी में बिकना चाहिए, पर ऐसे उसमें आप देश के भविष्य को, नौनिहालों को आप अलाउ कर रही हैं उसमें बैठने के लिए, तो क्या ये बच्चों के और पेरेंट्स के साथ धोखाधड़ी स्कूल द्वारा नहीं की जा रही? नहीं, धोखाधड़ी तो इसको नहीं कहेंगे, कुछ गाड़ियां हो सकती हैं ऐसी जिनकी स्थिति आप बता रहे हैं, उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है, चेकलिस्ट बन रही है, और जो गाड़ियां पुरानी है या स्थिति नहीं है सही, वो बदली जाएगी, बिल्कुल बदली जाएगी। मैडम, गाड़ियों के बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली चीज है। किन मानकों के तहत आप गाड़ियों को रिपोर्ट करते हैं? जी, गाड़ियों के कागज जो स्कूल के पास निर्देश होते हैं, जैसे आज जो घटना हुई वो एक टेक्निकल चीज है। जी, गाड़ियों के कागज होते हैं, फिटनेस है, RC है, ड्राइवर का लाइसेंस है, ये सब चीजें बताई जाती है। ये गाड़ी अभी दो दिन पहले आई है और हेड ब्रांच में इसके कागज जमा है, वहाँ से मंगवाए जाएंगे। जी, दो दिन पहले ही यहाँ पर आई है।
और भी गाड़ियों की स्थिति थी जो टायर खराब है, उसके बाद ओवरलोड तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को जी, नहीं ओवरलोड तरीके से सभी गाड़ियों में ऐसी कंडीशन नहीं है। ये अभी मैजिक में मैम कितने बच्चों को अलाउ किया जाता है आपके यहाँ, कितने बच्चे बैठना सर, इस बारे में अगर हम बैठ के बात कर लें वो ज्यादा सही रहेगा। बैठ के कर रहे हैं आप बता सकते हैं? नहीं ये चीजें तो नहीं सर, इस पे जाने की जरूरत नहीं है ना मुझे लगता है। गाजियाबाद में बच्चे मरे भी थे गाड़ियों, उसके बाद भी आप लोग अगर सीट नहीं ले रहे हैं तो इसकी लापरवाही नहीं है। नहीं आज जो हुआ सर वो एक टेक्निकल इशू था, जो वाटर बैंक उसका बस्ट हुआ है वो एक टेक्निकल इशू था, गाड़ी की स्थिति या गाड़ी की ख़राब नहीं है उसकी स्थिति। आप गाड़ी देखेंगे तो पुरानी गाड़ी नहीं है या इस तरह की जो आप चीज़ें बता रहे हैं उस गाड़ी में नहीं है, फिर भी उसमें हो गया ये हादसा। जिस गाड़ी का फिटनेस ही फेल है, जिस गाड़ी का टैक्स फेल है, जिस गाड़ी में का इंश्योरेंस ही नहीं है, आप उस गाड़ी को बोल रही हैं कि नहीं उसके पेपर्स दो दिन पहले यहाँ आई है, मेरे पास नहीं है पेपर्स, हेड ब्रांच में है, हेड ऑफिस में है, हम लोग जांच करके तभी आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, 2020 से उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, और आप दो दिन पहले अगर आपके प्रधान कार्यालय से अगर गाड़ी को भेजा गया है तो आप लोगों के साथ धोखा किया गया है जी। नहीं उस बारे में मैं जानकारी लूंगी, क्योंकि दो दिन पहले आया वो अभी नहीं है मेरे संज्ञान में, और वैसी लापरवाही देखिए पिछले 20 साल से हम स्कूल चला रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, कभी कोई ऐसा हादसा स्कूल में नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों को जो जले हैं या बर्न हुए हैं, मुझे बड़ा दुख है उस चीज़ के लिए, बच्चों की तकलीफ़ के लिए, और इस चीज़ में लापरवाही हम किसी भी पार्ट पे नहीं कभी करते हैं ना करेंगे। जहाँ भी कुछ मिस्टेक्स हैं पिछले 2 साल के जो कोरोना में जो गैप हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, इंश्योरेंस और इन चीज़ों में ड्राइवर्स की कई सारी प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि आरटीओ तक भी पहुँचाई हैं ड्राइवर्स ने, इस पर काफ़ी चीज़ें रही थी, और ये सुविधा है स्कूल हायर करता है प्राइवेट गाड़ियाँ लगाते हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए। उनकी प्रॉब्लम्स हैं जी, तो क्या इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं करेंगे वो, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलने? नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, वो तो चेकिंग है, सारा मैकेनिज्म है उस चीज़ का, रोड पर भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीज़ें सबको फॉलो करनी पड़ेंगी और हम भी करेंगे। जिस गाड़ियों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं उस गाड़ी का जो दायित्व है वो ड्राइवर का होता है जी, आज जो घटना घटी ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया जी, जबकि प्राथमिकता ये थी कि ड्राइवर को बच्चों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए लेके जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए ऐसे फायदा के लिए? और अभी भी हमसे कुछ गार्जियन शिकायत कर रहे थे कि बच्चे अगर उल्टी भी करते हैं तो ड्राइवर को उपचार के बजाय स्कूल ले जाना पसंद करते हैं, ये बच्चों के जीवन के साथ नहीं, उल्टी के लिए तो उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना तुरंत तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, ड्राइवर के साथ और बच्चे भी होते हैं, और ये घटना कहीं ऐसी होती है तो उपचार बिल्कुल, दूसरी गाड़ी हमारी यहाँ से तुरंत गई थी, तुरंत स्कूल से 5-6 लोग पहुँचे थे, कहीं भी अग्नि यंत्र के लिए अग्नि अगर कार्य होता है तो उसके बचाने बचाव के लिए कोई भी उपकरण नेट मौजूद नहीं है, जबकि ये होना मानक में शामिल है जी, वो पूरा मैकेनिज्म सर है, रोड पे भी तो चेकिंग होगी इन चीजों की, और हमारे प्रशासन आप हमें आज ये चीज का दे रहे हैं परामर्श, तो इसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, इस चीज में जो भी कमियां हैं उन पे तुरंत सुधार किया जाएगा। वो भैया तो तुम्हारी गाड़ी का चालान करने के लिए कह रहा, वो थोड़ा टम टम है। क्या घटना हुई भैया? सर वो पानी में डल गया है बच्चे के, काय का पानी? गाड़ी का, वैन में थे बच्चे? गाड़ी में। क्या हुआ था बेटा गुड़िया? क्या हुआ था बेटा? गाड़ी में पानी जैसा आवाज हो रहा था और पानी निकल गया, तो आप आपके ऊपर गिर गया, फिर ड्राइवर ने क्या किया? फिर आंटी ने हमको डॉक्टर के पास लाई। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? KMPS में। क्या नाम है? चित्रा। हमारे साथ है इस समय RI मैडम नीतू मैम, और उनसे जानते हैं कि ये जो इस समय घटनाक्रम हुआ है आज स्कूल में और इस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके लिए वो किस तरीके की कार्रवाई करेंगी और क्या अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है? मैडम बताएं जरा। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमने स्कूली वाहनों को जाँच किया है और उनमें जो भी पाई गई कमियाँ हैं उसके नोटिस जारी किए गए हैं,
और उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार ही हम वाहनों की जांच कर रहे हैं। हमने अभी काना माखन स्कूलों की गाड़ियां भी चेक करी थी, जिनमें जो भी संबंधित कमियां पाई गई हैं हमने वहां के प्रबंधकों को बता दिया गया है और उनके नोटिस भी हमने जारी कर दिए गए हैं। आज जो घटना हुई है इसमें मैडम गाड़ियों में कोई कागज़ नहीं है, बीमा भी ख़त्म है, फिटनेस भी नहीं है, तो अगर ऐसी गाड़ियां रोड पर चलती हुई पाई जाती हैं तो आरटीओ ऑफिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, ये प्रवर्तन का काम है और हमारे प्रवर्तन अधिकारी इसके इसका संज्ञान लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके चालान बनाएंगे। ये देखिए, यही वो वाहन है जिससे रेडिएटर फटा और पुरानी गाड़ी है जिसमें डेंट पड़ गया। देखिए टायरों की स्थिति बिल्कुल, ये देखिए इसमें पीछे भी कहीं कोई नंबर प्लेट नहीं है। पुरानी गाड़ी को पेंट वेंट करके ये ले आए हैं और ये देखिए ये स्थिति है आगे कि ये इसकी नंबर प्लेट है और जब इसे हमने चेक किया तो पता चला कि इसका इंश्योरेंस ख़त्म है, फिटनेस ख़त्म है, इस गाड़ी पे चालान है और ये गाड़ी कंडम हो गई है बिल्कुल, लेकिन पेंट करके और ये गाड़ी स्कूल में चलाई जा रही है। क्या कहेंगे आप इसे?